हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? सो आज हमारे साथ है आबास। तो आबास के साथ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अभी लास्ट 23 तारीख और 24 तारीख को दो कॉम्पिटिशन थे हमारे, काफ़ी बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन थे। 23 तारीख को लखनऊ में, वहाँ पे COC जीता है, और 24 तारीख को जयपुर में, वहाँ पे ओपन वेट कैटेगरी में गोल्ड मारा। तो सभी कॉम्पिटिशन जीतता हुआ आ रहा है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आया हूँ संजय भैया के साथ, योगेश भैया के जिम में। आज हम इससे वेट उठवा के देखेंगे, बेंच प्रेस ये कितनी कर पाता है, और भी दो तीन लिफ्ट्स हैं वो हम इससे करवा के देखेंगे। तो एक वर्ल्ड चैंपियन जो है वो कितना वेट उठा रहा है, आप खुद से उसको कंपैरिजन करना कि ये कितना उठा पा रहा है अलग अलग पोजीशंस में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कुछ प्रैक्टिस पुल्स भी होंगे और कुछ टेक्निक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो भाई। अभी हम ट्राई करने वाले हैं अपनी रोलिंग डेडलिफ्ट, ये हमने लास्ट की थी, आपने देखा होगा 85-90 तक गए थे। आज आभास का ट्राई करते हैं कितना जाता है। 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, 25-25 की दो प्लेट। सर बहुत मार दे रहे हैं, सर बहुत इजी लगेगा, इजी इजी फील होगा, थोड़ा आराम से रखा। सर 70 kg स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो उठाने के बाद ना बाइसेप्स भी मार रहा है साथ में। इसका मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे उठा दूं बाइसेप्स। चल मयंक, ये उठाए तो दिल्ली में तेरा गोल्ड पक्का 70 में। उठ गया, गोल्ड पक्का, गोल्ड पक्का। नहीं फिसल, 80 पे नहीं फिसलता है, 85 फिसलता है। 80 kg फर्क पड़ा है चौक से। सीओसी रनर अप ये उठाया तो साथ में शरद क्यों मार रहे। 85 क्लियर, 85 इतना था, जमीन से उठा था, नहीं तो जमीन से उठेगा ही नहीं, अब देखना उठेगा ही नहीं। वो नहीं उठना होता जमीन से ऊपर ही नहीं आता। 90 kg नहीं उठा, दोनों कंधों पे जा रहे हैं। प्लस कुछ हैंडल लगा लो कुछ, ये तो 92-93 के आसपास। 92 पुश करता, पुल नहीं करता। छूट जाएगा उससे ऊपर आते हैं। पूरी ट्राई करियो, पूरी कोशिश लिफ्ट हो जाए, जितना उठ रहा है उठा दो, उसके बाद छोड़ दियो कोई। बहुत बढ़िया, चलो 92-93-94 के आसपास है टोटल, अगर रोड सब मिलाएं 94 के आसपास वेट। चला बस, वाह 94। सिद्धांत तूने ऐसे ऐसी करी मेरे हाथ से, मेरे हाथ ना कल इतना खेला है उसके साथ। क्लियर नहीं था, ठीक है थोड़ा सा उठा है बट डालो, कोई नहीं की बात। ये लो दिखेगी, ये कितना हो गया अभी, 93-94-95 के आसपास हो गया टोटल। 95 kg
ठीक है, एक आध किलो तो ऊपर नहीं चलता है, इतनी कौन सी एक्यूरेसी है। 95 kg। अभी टूट गया, अभी थोड़ा रेस्ट ले कर लेना चाहता हूँ। 96 kg। सीधा 100 लगा दे, खत्म करो। एक 200 भी है, 100 किलो पूरा। चल अच्छे से चल 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 96 क्लियर था, हमने सीधा 5 बढ़ाया, वो गलती करी, 96-97 कर दिया इजी। अगर दोस्तों इसी में हम नॉर्मल हैंडल लगाते हैं पतला, तो देखना भी क्या होगा। नॉर्मल हैंडल लगाया, इस पे कोई भी आप इजीली ऐसे उठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठा के देखा। तो सेम एक आर्म रेस्लर कितनी बेंच प्रेस कर सकता है, आज हम वो चेक करेंगे, और उसके पीछे जो इसका खेलने का स्टाइल है उसमें कितनी हेल्प करती है बेंच प्रेस। तो गाइस अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेंच प्रेस, देखते हैं आवास कितना वेट उठा पाता है बेंच प्रेस। पहले स्टार्ट कर रहे हैं 25 kg, तो 25-25-50 और 70 kg से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों पावर लिफ्टिंग का रूल है, ये प्लेट इनसाइड में रहेगी तो फर्स्ट प्लेट होती, उसके बाद जो प्लेट है उनका मुंह बाहर की तरफ रहेगा। जनरल इंफॉर्मेशन, अभी हो गया है 70 + 20 90 kg। ट्वेंटी केजी डालते हुए 110 ट्राई करते हुए 130 केजी। आवास अब कितना 140 केजी आवास तक तक आराम से बिल्कुल। वेरी फ्रेंड्स नाउ 160 केजी। आवास चल तगड़ा हो गया, चल पूरे टाइट पकड़ के अच्छे से, थोड़ा सा हाथ रखियो ना के बराबर, हाँ चल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 160 क्लियर। 170 केजी। 170 केजी। चल बहुत ध्यान से पकड़ के अच्छे से, और सपोर्ट के लिए हाथ रखियो नीचे, हल्का सा रखियो थोड़ा सा बेंच, हाँ चल तगड़ा हो गया। इजी है भाई, चल चल अब ये चल 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 बहुत जरा सा 170 केजी। देख रहे ध्यान से Thank you.
इसके हाथ में क्या है? चाय का कप जो कि दिख नहीं रहा है। ये अब जैसे मैं टॉप रोलर हूँ तो स्ट्रैप में मेरे को टॉप रोलर की जो एक वो परफेक्ट ग्रिप होएगी सेटअप होएगा मेरे हिसाब से मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कैसे होना चाहिए मैं भी बता रहा हूँ। स्ट्रैप जैसे टाइट होगी तो हाथ अपना बाहर खोल के रखना, ऊपर रखना, हाथ आगे भी रखना है और ऊपर भी रखना है सेटअप में ताकि हाथ नीचे ना दबे। बच्चे ही गलती करते हैं, यहीं बंधवा लेते हैं ऐसे करके, टाइट हो जाती है। यहाँ से अगर ये नीचे है, मैं इधर से दिखा देता हूँ, अगर मैं इधर आ जाओ, मैं इधर से दिखा देता हूँ, बच्चे इसको ढीला छोड़ के रखते हैं और यही टाइट हो जाता है, प्रोनेटर लूज कर देते हैं, प्रोनेटर लूज हो जाता है, ये लूज है। अब नीचे आ गया तो यहाँ से कभी भी वो बाहर नहीं निकलेगा, फंसेगा या इधर टॉप रोल खाएगा ही खाएगा। तो ये जो नीचे आ रहा है ना स्ट्रैप बनते हुए, एक तो ये पोजिशन है। अब इसी में सोचो आपकी पोजिशन यहाँ होती है सीधी, यहाँ होती, कितना डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे, कम से कम 2 से 3 इंच ऊपर आ गया। और रेफरी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो सेंटर है, रिस्ट भी सीधी है, यहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी रोकने में भी और इधर मारने में। प्लस दूसरी चीज, अगर आप इसको पुल करके रखोगे इधर और ये यहाँ से दबो, रुको फिंगर रखो, ये पुल किया थोड़ा सेंटर दो, हाँ ये सेंटर भी आ गया, पुल भी किया हुआ। अगर इस पोजीशन में आपने पुल करके रखा ग्रिप में तो मेरी रिस्ट फ्लोप हो चुकी है पहले ही, मतलब फ्लोप होने की पूरा डायरेक्शन में चली गई कि मेरी ऐसे फ्लोप हो गई। अगर इसी में अगर मैं ऐसे ग्रिप लेता हूँ तो इधर से भी दिखा दूँ, अगर मैंने ऐसे खींच के रखा है और सीधा रखा है सेंटर में ऐसे, और सिर्फ ग्रिप है ये, ग्रिप में ही आपका हाथ उल्टा हो गया फ्लोप पोजिशन में, तो ईजी होगा। तो ये सेटअप जो यहाँ का सेटअप है बहुत ज़रूरी है, ये हमें कैसे खींच के रखना है, टाइट होने से पहले कैसे रखना है, पूरा स्ट्रेच करके थोड़ा सा ऊपर ले और पीछे, और ये मैक्सिमम स्ट्रेच करके, तो ये सेटअप है टॉप रोल के लिए बेस्ट है। आप एवरेज करो अप डाउन एंड डाउन, ये बहुत अच्छा रखा हुआ है क्लोज, बहुत अच्छा, और ये मैक्सिमम कवर करके रखना है, और रेफरी भी आपको स्ट्रेच करवा के रखेगा। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, जो सेकंड जिसका रेफरी रखवाता है तो रेफरी उसको स्ट्रेच करवा के रखवाता है, ये बात आप ध्यान रखो, रेफरी को बोल भी सकते हो। तो इसमें जो पहले अगर मैंने हाथ टाइट रख लिया रेफरी ग्रिप में तो बहुत मुझे एडवांटेज मिल गया, अब इसका हाथ लूज हो गया, ये टाइट नहीं कर पाया। इस केस में जो रेफरी होता है सेकंड जो जिसका हाथ रखा जाता है रेफरी उसको स्ट्रेच करवा के रखवाता है, ये रूल है। आप एक बार रखवाओ, डेमो करवाओ, तो मेरा हाथ तो ऐसे रखवाया इन्होंने सिंपल, इनका हाथ वो स्ट्रेच करके रखवाएंगे ताकि दोनों को इक्वल मिले, एडवांटेज ना मिले। यहां से स्टार्ट हो गया, रेडी गो, ये मैं भी थोड़ी पावर लगाता हूँ भाई, गो, बहुत अच्छा, खींच खींच के रख, हाँ शोल्डर इधर ले आ, वापस इधर, इधर पीछे इधर निकाल, हाँ ये इधर निकाल, बस बढ़िया। तो गेम जाने नहीं देना, हमें गिव अप नहीं करना है, जहां तक खींच सकते हैं यहां तक भी हम खींच के रखेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे, शोल्डर आगे लगे फिर पीछे, बिल्कुल वही सेंटर आ जाएगा, सेंटर में पोजिशन थी ना वही यहाँ बन जाएगी, गो। दोस्तों ध्यान रखो आपको यहाँ से कैसे निकालना है, ये बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बट क्या जब फ्लो जाएगा ना उससे पहले तुझे जैसे ही बंदा फ्लो मार रहा है अंदर से पता चल जाता कि ये फ्लो मारने वाला, तुझे इसके फ्लो पे अटैक मारना है, काटना है उसके फ्लो, देखो ये दोबारा, ये यहाँ से जरूर प्रेशर लगा कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इधर जाने से रोकने के लिए और फ्लो करने के लिए, मारियो ठीक है, नहीं नहीं चल गो विनर, इतने से छूटेगा तो ऊपर छोटे हार जाएगा, ये चीज रूल में ध्यान रखना सभी, अगर पैड से 1 इंच ऊपर है तो आप बेशक ऊपर से छुड़ा रहे हो तो आप हार चुके हो, हारना है फाउल है, विन विन फाउल तो इनका है, नहीं नहीं हार गया, हार गया।
हार वो तो मेरा तो ऊपर से छूटा है ना, बेशक ऊपर छूटा हो, यही तो है रूल है, ये नीचे से छूटा या ऊपर छूटे दोनों बराबर आज के। अगर मेरे मुंह छूटे थे हार गया। अच्छा बीच यहां से सेंटर से छोड़ा, वो अगर सेंटर से अगर हाथ खोल के छूटा है तो फाउल होता है, तो स्ट्रैप या फाउल होता है। अगर यहां आ गया आपका किसी भी कंडीशन में हो, ये हो या नीचे हो, तो हार गया। रेडी गो। निकल अप डाउन, मतलब थम आउट चाहिए, आउट थम आउट, थम आउट इन। रोटेट करना इजी हो जाएगा, यहां से हिलना ही नहीं चाहिए दूसरे का, इधर जाना चाहिए तेरी तरफ, उधर की तरफ पहले रखता हूं। रेस्ट फर्स्ट फाउल, ये ध्यान रख फाउल फूल में बाहर नहीं होना, इतनी पावर क्यों बनाई है, हम फाउल में बाहर होने के लिए नहीं बनाए। डोंट मूव, रोटेट अब, रेडी गो। वो स्ट्रैप में आ जाएगा, कवर हो जाएगा वो चीज। चलो रोटेट, रेडी गो। शुक्र है आराम से लेके गया। हाँ लास्ट टाइम रोटेट, चलो ग्रिप ले लो, बिल्कुल ठीक है। यस रेडी गो। आ जाओ, अब थक गया, अब आ रहा हूँ इसका। नकल बोर्ड पे निकल चो। रेडी गो। अगली बड़ी रेडी गो, ये वाला। हाँ बट पूरा नहीं जा पा रहा, स्ट्रेप में चला जाएगा, स्ट्रेप में आउट चाहिए, कम आउट करो। डोंट मूव, अब देखो रेडी गो। क्या कर रहा है, रिस्ट निको। ये बढ़िया लग रहा है, थोड़ी लग रही। अरे चलो रेडी गो। ये बहुत बढ़िया लगता है ये, रोटेट करो, रोटेट रोटेट रोटेट, रेडी गो। लगा रेडी गो, वापिस आ, शोल्डर क्लोज कर, वापिस आ, आएगा आएगा, फिंगर मत छोड़ियो अपनी। ये देखना, अब पहले कहा था कि अब पूरा हाथ नीचे ले गया था, पहले आ रहा था यहाँ पे, इतना रुक रहा था बट अंदर था, अब पूरा का पूरा हाथ कवर्ड है, मेरा पूरा का पूरा ये खुल गया, ये इधर जा रहा है, तो हाथ आगे नीचे, ये बेस्ट है। यहां समझ ले तेरे वो उस रोलर पे ना पूरी पुल्ली लगी हुई है, तुझे अंदर घुमा देना है बस, कैसे भी पीछे ले थोड़ा सा, अब तुझे वो अंदर घुमाना है, और साथ में ये भी सुपिनेशन होती है, ये क्रॉस मारना है। अब कर चलते हैं थोड़ा लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या करेंगे, भाई अब ज्यादा टेबल प्रैक्टिस नहीं कर पाया आज, क्योंकि वेट लिफ्टिंग ज्यादा होगी, देखा होगा आपने वेट कितना उठाया है, एक नॉर्मल बंदा नहीं उठा सकता इतना, और आर्म रेसलर तो खासकर नहीं उठा सकता इतना वेट, वेट लिफ्टिंग भी इतनी अच्छी है और आर्म रेसिंग तो आपने देखी है। तो आवाज से कुछ सवाल पूछते हैं, आवाज फ्यूचर गोल के, अभी जो नेशनल होंगे उसमें COC और वर्ल्ड में दोबारा जाऊंगा और गोल्ड जीत के लाना है, वर्ल्ड में दोबारा गोल्ड लेके आएगा, इजी 5-7 गोल्ड इकट्ठे करेगा ये, और पूरा घर वर्ल्ड के मेडल से ही भरना है इसको, यहाँ पे इंडिया के मेडल नहीं है लोगों के पास, ये वर्ल्ड के मेडल इकट्ठे करने में लगा हुआ। अब बस डाइट क्या रहती है, डाइट में मैं 3 लीटर दूध पीता हूँ और 10 अंडे खाता हूँ, और रोटी रहती है 5 रोटी सुबह 5 शाम को, और चिकन कभी कभी। 3 लीटर दूध, सो आप जो भी जितने भी नए प्लेयर्स हैं सब सीधा सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा घुसने की जल्दी होती है उनको, आप दूध घी ये सब खाइए, आपका बेस मजबूत होगा उससे। आवास ड्रीम मैच किसको हराना चाहते हो, दारा सिंह हांडा भी मेरी कैटेगरी के ही हैं, और मजाहिर साइडू, मजाहिर के पीछे पड़ी दुनिया,
फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी? कपिंग। कपिंग नाइस। फेवरेट आर्म रेसलर कौन है? डेनिस। डेनिस सिप्लिन को सेम साइज। अबास कितने घंटे जिम करते हो? 2 घंटे के करीब, 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। तो कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े थे लास्ट कि सबको इसकी एज को लेके सवाल है कि ये 16 साल का नहीं दिखता है, 15 का नहीं दिखता है। यार मुझे एक चीज बताओ, मान लो ये 16 का नहीं है, ये 25 साल का है, तो कोई हरा देगा इसको आगे? अब बताओ मुझे, इसका जवाब दो। ये 16 का नहीं है, ये 25 का है, कौन इसको हरा सकता है? आपने इसके रिकॉर्ड्स देखे हैं कि इसने किस किस को हराया है, जो सीनियर के बड़े से बड़े चैंपियन थे, इस एज का हो गया, इस जूनियर कैटेगरी का हो गया, ये सीनियर में खेलता है, और जो सीनियर के टॉप मोस्ट प्लेयर थे, इसने उनको बड़े इजीली हराया है। विनिंग का सीक्रेट क्या है जो लगातार इतने सारे मैचेस जीतते जा रहे हो? आप कैसे? अभी जैसे मैट कॉलोनी आया था ऑस्ट्रेलिया से, तो मैंने कभी इतना बड़ा मैच खेला नहीं था, तो भैया वहीं पे थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे ग्रिप बताई कैसे खेलनी है वहाँ पे। मैं नर्वस हो रहा था खेलने से पहले, तो उन्होंने मुझे ग्रिप बताई, फिर मैंने वही चीज़ें अप्लाई की वहाँ पे और अच्छा रिजल्ट आया। और जैसे अभी जयपुर में टूर्नामेंट था, भैया मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने भैया को फ़ोन किया, फ़ोन कौन से बात की, ग्रिप पूछी कैसे करनी है सामने वाले बंदे के हिसाब से, तो भैया ने मुझे ग्रिप बताई और मैंने वो अच्छी तरह से अप्लाई की और रिजल्ट अच्छा आया। दोस्तों मैं अगर दूसरी तरीके से बताऊं, इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, जिस तरीके से इसको बोलता हूं वैसे ही खेलता है, और इसे अप्लाई कर पाता है और रिजल्ट आपके सामने। तो दोस्तों अभी आपने लिफ्टिंग देखी होगी आवाज की, इसने जो लिफ्ट किया, तो आप अगर आप बिगनर हैं तो आप ये चीज़ अपने आप से ट्राई मत करो, ये बहुत मेहनत चाहिए होती है, इसमें रेगुलर बहुत मेहनत करता है जिम में, तब जाके इस लेवल पे पहुंचा है, और अभी और भी आगे लेवल अचीव करेगा। और मैं तो कहता हूँ जो टॉप एलीट प्लेयर्स हैं वो भी नहीं उठा पाते इतना, तो ये इसकी मेहनत है, आप इसको ट्राई ना करें, आप किसी के अंडर गाइडेंस में ही करें इसको। तो भाई आवाज को आपने आज से पहले इतना बोलते हो कभी नहीं देखा होगा, आज कुछ सुना होगा इसके मुंह से आपने चीजें, तो कुछ आवाज के बारे में पता चली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी, आवाज के बारे में कुछ और पता चला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और दिल्ली स्टेट के लिए तैयारी करिए, वहां मिलते हैं आपको, आवाज भी वहां होगा। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप आम रेसलिंग में कुछ अचीव करना चाहते हो तो भैया के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।